Yeah. It's quite far on high. Yeah, right? Yeah, right. Yeah, I've been there. I've been climbed there. We're dealing with my अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? अच्छा यार, अभी फ़िलहाल सुबह हो चुकी है और आज मुझे जाना है बातू केव्स और नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया जो है वो विज़िट करनी है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ एक पॉइंट पे हूँ, जस्ट लुकिंग अराउंड दी कॉर्नर के ब्रेकफास्ट कहीं पर मिल जाए और कुछ खा पी लूँ पहले से, फिर जाऊँ वहाँ पर। और अगर यहाँ पर बात ना बनी तो फिर जो है ना वहाँ पर बात ज़रूर इंशाल्लाह बन जाएगी। तो बस अभी मैं यहाँ से गाड़ी बुक करने लगा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इर्द गिर्द मुझे जो है ना कोई अच्छा सा खाने वाली शॉप मिल जाए। मिली तो है बहुत सारी, ये मेरे पीछे भी है, लेकिन जो चीज़ मैं खाना चाह रहा हूँ ना वो नहीं मिल रही मुझे। ठीक है, तो चलें, अगर वो मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, वरना फिर कुछ ना कुछ और खा लेंगे और कुछ और नई चीज़ ट्राई कर लेंगे। तो बाकी चलें, आज इंशाल्लाह देखते हैं पहले कौन सा पॉइंट जो है वो मैं डिसाइड करता हूँ, बातू केव्स या फिर नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया। Don't follow me, nikun frog I got streams, yeah. Don't follow me, nikun might be what's the beach. Don't follow me, nikun might be got streets. Okay जी, अभी मेरी इनके साथ बहुत गपशप हो रही है। ठीक है, और ये मुझे काफ़ी सारी लोकेशंस का भी बता रहे हैं, तो अभी मैं बातू केव्स की तरफ जा रहा हूँ इनको लेके, तो ये मुझे वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। और बहुत सारी लोकेशंस के बारे में भी इन्होंने मुझे बताया है कि आप यहाँ यहाँ पे भी जाओ, ये भी देखने वाली हैं, और इतने ज़्यादा दिन आप अगर और रुक सकते हो तो लाजमी रुको। तो बहुत जो है ना वो इन्होंने काफ़ी सारी काम की चीज़ें भी बताई हैं। एनीवेज चलें, अभी बातू केव्स जा रहा हूँ मैं, और वहाँ की वाइब्स क्या हैं या क्या कुछ है वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आ जाए मेरे साथ। It's quite far on high. Yeah, I've been there. I've been climbed there. We're dealing with my Okay, तो यार फिलहाल मैं आ चुका हूँ बातू केव्स। ठीक है, ये पीछे उनका कोई पता नहीं हिंदू टेंपल या क्या बना हुआ है। ठीक है, तो मुझे ड्राइवर के साथ यार बड़ा मज़ा आया गपशप करके, काफ़ी सारी चीज़ें उसने मुझे बताई हैं, क्या सीन है, बड़ी गपशप हुई है हमारी। मुस्लिम था वो भी, लेकिन पता नहीं कोरियन के कौन सी कंट्री का था। एनीवेज ये बातों में पूछा ही नहीं मैंने उससे कि कहाँ से है वो। तो ये मेरे सराउंडिंग एरियाज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन है, मुझे वो कह रहा था यहाँ पे किसी भी टाइम जो है ना वो बारिश हो सकती है। तो खैर, अब मैं कुछ देखता हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला भी कुछ सीन हो, और बाकी आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ कि अंदर क्या सीन है। अच्छा जी, तो बातू केव्स एक मशहूर सियाहती मुकाम है जो कुआलालंपुर मलेशिया के शुमाली मज़ाफात में वाक़िया है। ये चूना पत्थर के गारों और गार के मंदिरों का एक सिलसिला है जो हिंदुस्तान से बाहर हिंदुओं के सबसे अहम इबादत गाहों में से एक समझा जाता है। गारों का नाम बट्टू नदी, जैसे कि बाटू केव्स बाटू रिवर्स के नाम पर रखा गया है, जो करीब से बहती हैं, और ख्याल किया जाता है कि ये 400 मिलियन साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बातू केव की एक तवील और भरपूर तारीख है। इनके इस्तेमाल के शवाहद 400 मिलियन साल पुराने हैं। गारों को असल में मुकामी लोग इबादत गाहों और रूहानी अहमियत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 19वीं सदी के आखिर में गारों ने यूरोपीनों आबादकारों और सियाहों की तवज्जो मबजूल करना शुरू कर दी, जो अपनी मुनफरिद कुदरती शक्लों और रूहानी अहमियत की तरफ रागब हुए हैं और 272 कदमों की तेज़ परवाज़ के ज़रिए पहुंची जाती हैं। जितने भी टूरिस्ट यहां पे आते हैं, ज़ायरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर दीगर छोटी गारों को भी तलाश वो कर सकते हैं, जो कि चमगादड़ों की मुख्तलिफ इकसाम और दीगर जंगली हयात का घर हैं। इसकी रूहानी अहमियत के अलावा बाटू केव अपने मुनफरिद और रंगीन कुदरती शक्लों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बुलंदोबाला स्टेक्सटाइल और स्टेगमलाइट्स शामिल हैं। हर साल लाखों जायरीन गारों को देखने, हिंदू इबादत गाहों में इबादत करने और सालाना थाइपोसिम त्यौहार में शिरकत के लिए आते हैं, जो हर जनवरी या फिर फरवरी में मनक़द होता है। ठीक है,
है काफ़ी कुछ। ये केव सी बनी हुई है बहुत बड़ी, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, अगर कुछ चाहिए हो खाने पीने के लिए तो वो भी यहाँ से अवेलेबल है, मिल जाएगा यहाँ से आपको। आए अब बाकी अंदर जाके देखते हैं, अभी आगे और भी स्टेप्स हैं जो हमने जिनको पार करके ऊपर जाना है। मंजिल ख़त्म नहीं हुई भाई साहब, अभी दूसरी मंजिल शुरू होगी। 1981 में के थेम्बू सामी पलाई नामी एक हिंदुस्तानी ताजर ने कैथेड्रल गार के दरवाजे पर जंग के हिंदू देवता लॉर्ड मॉर्गन का मुजस्मा नस्ब किया, जिससे ये हिंदुस्तान से बाहर हिंदुओं के सबसे अहम इबादतगाहों में से एक है। सालों के दौरान बाटू केव के कॉम्प्लेक्स में कई छोटी छोटी गारों के साथ साथ इजाफी मज़ारात और मंदिर भी शामिल होते गए। आज बाटू केव एक अहम सियाहती मुकाम बनी हुई है जो हर साल लाखों जायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करती है, जो गारों को देखने हिंदू इबादत गाहों और इबादत करने और सालाना थाईपुसम त्यौहार में शिरकत के लिए आते हैं। ये त्यौहार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा वसी हिंदू त्यौहारों में से एक है और एक सदी से ज़्यादा अरसे से बाटू केव में मनक़द किया जाता है। आखिर में बाटू केव की एक भरपूर और दिलचस्प तारीख है और ये मलेशिया में एक मुनफरिद और अहम सकाफती और रूहानी निशान है। अच्छा जी, अगर आप लोग हिंदू जो कल्चर है उसको देखना चाहते हैं या उनका क्या ओवरऑल वहाँ पे सिस्टम होता है, इन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बाटू केव जो है वो ज़रूर जाएं। फिर अगर आपका इस तरह की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये आपके लिए राइट प्लेस नहीं है घूमने फिरने के लिए। मैं क्योंकि इसलिए यहाँ पर आया था, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे थे और मैं थोड़ा सा क्लोजली ऑब्ज़र्व करना चाहता था कि ये वहाँ पे एक्चुअल में जो है वो क्या करते हैं, इनका जो हिंदू तमिल कल्चर है वो किस तरह का है। तो ओवरऑल जो ये अंदर की लोकेशन आप देख रहे हैं या जो मनाजर हैं, ये ऐसे एक केव तरह का ही सेटअप बना हुआ है जिसके अंदर इन्होंने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो छोटे से हिंदू टेम्पल हैं या मुजस्मे जिनको बोलते हैं वो बना के अंदर रखे हुए हैं। बहरहाल मज़ा बहुत आया ओवरऑल इसके अंदर जो है ये आप नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सारी हाइटेड प्लेस भी है और उसके अलावा यहाँ पे कबूतर, फिर मंकी और यहाँ पे इनकी पूजा हो रही थी, ये सारी इसके इर्द गिर्द की जो जगह आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ही है, लोग अपना पूजा कर रहे हैं, साथ ही मंकी भी हैं, कबूतर भी घूम फिर रहे हैं, लोग उनको भी दाना डाल रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो बाटू केव के अंदर के मनाजर का सूरत हाल है ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। और ये प्यारा सा मंकी भी देखें, बनाना खा के अगेन आ गया। ओके, तो यार ये थे बाटू केव्स के इनसाइड के मनाजिर जो आपने देखे। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो वापस नीचे उतरने वाला है। ऊपर तो हम आ गए थे, फिर ऊपर से भी ऊपर चले गए और अब नीचे जाना है, ठीक है। ओके, तो यार ये था बाटू केव्स का टूर, होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा। और स्वेटिंग बहुत हो रही है, बाहर गर्मी भी है और फिर सीढ़ियाँ और इतनी मशक्क़त करने के बाद जब नीचे आते हो आप तो अच्छा खासा पसीना आपको आता है, बेशक सर्दी ही क्यों ना हो, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे पीछे बहुत सारे कबूतर वगैरह भी हैं और इनके बीच वॉक करो, जो भी है ये उड़ते नहीं, बहुत ठंडे, अच्छी तबीयत के। चलें, मिलते हैं अपने किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।